नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। बिहार में पहली बार दो मरीजों में ब्लैक और व्हाइट फंगस एक साथ मिले हैं। दोनों संक्रमित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी से दोनों मरीजों के शरीर से फंगस को अलग कर दिया है। दोनों मरीज अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब संस्थान एक साथ मिले ब्लैक और व्हाइट फंगस की स्टडी कर रही है। IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल का कहना है कि डॉक्टरों की टीम ब्लैक फंगस में काफी बेहतर काम कर रही है। IGIMS में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब एक ही मरीज में ब्लैक एंड व्हाइट फंगस साथ साथ मिले हैं। दोनों मरीजों को संस्थान में भर्ती किया गया था। जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि भी हो गई। ऑपरेशन से पहले जब डॉक्टरों की टीम ने काफी बारीकी से परीक्षण किया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। ब्लैक के साथ व्हाइट फंगस साथ साथ साइनस में था। दो ऐसे मरीज कुछ दिन के अंतर पर भर्ती हुए हैं जिनमें ब्लैक के साथ व्हाइट फंगस का संक्रमण एक साथ पाया गया है। डॉक्टरों के लिए यह नया मामला है। ऑपरेशन के बाद सैंपल को जांच के लिए भेजकर टीम स्टडी में जुटी हुई है।